आज मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, या तो बारिश आ जाए या बर्फ गिर जाए, तो इतना इंतजार कर रहे हैं हम पहाड़ों में बर्फ गिरने का। एक दिन अब अच्छे से उसको मैं एक्सप्लोर करूंगी कि कैसे बना, उसका क्या प्रोसेस था, उसको शेयर करूंगी। ये मुझे यही सुरेंद्र का बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अरे वाह। आज बहुत ठंडा है सुबह से ही, तो आप देख सकते हो जैकेट टोपी ऐसे पैक हो रखी हूँ मैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, देखो खूबसूरत से देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों से। तो हेलो, हाय, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। होप करती हूँ कि सबके सब ठीक होंगे और मैं भी ना एकदम बढ़िया हूँ। और आज मौसम बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना, या तो बारिश आ जाए या बर्फ गिर जाए, तो इतना इंतजार कर रहे हैं हम पहाड़ों में बर्फ गिरने का। तो अभी तो फिलहाल मैं तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए, तो देखते हैं फिर आज के दिन में क्या होगा। फिलहाल जा रही हूँ मैं ऑफिस, तो आज के दिन में ना जो भी होगा वो बताएंगे। तो वेदर फॉरकास्ट में कल से था बारिश और बर्फ का, लेकिन आज मौसम बना हुआ है, तो देखते हैं होती है कि नहीं होती है। तो चलते हैं फिर पहले और दिखाएंगे आगे को हम आपको। और आज पूरे बादल बादल हो रखे हैं और सुबह ना हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो आप देख सकते हो। और चलते हैं हम। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ऑफिस वाले रूट पे, और आज ना इतनी ठंड हो रही है, ऐसे कवर होके आना पड़ा है, पूरा मुंह कवर किया तो तब जाके ऐसे आई। मतलब बहुत ठंड से हालत खराब है, लेकिन कोई नहीं, अगर बर्फ और बारिश आ जाती तो बहुत ही अच्छा होता। तो फिर चलते हैं हम ऑफिस की तरफ और मिलूंगी मैं आपको फिर बाद में, और दिखाएंगे फिर। आज तो ऑफिस का ही होगा शायद, तो देखते हैं क्या स्पेशल ऐसा होता है। तो मिलेंगे फिर। तो लंच टाइम हो गया है, और अभी तक हम इतना बिजी थे ना काम करने में, तो अब जा रहे हैं हम लंच के लिए। तो जाते हैं फिर। और अभी भी मौसम ऐसा बना हुआ है, बारिश नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ठंड हो रही है आज ऑफिस में भी। तो बसंत ऋतु के आगमन से पहले ही आजकल ना पहाड़ में फ्योली खिल चुकी है, तो फ्योली वाला फूल है, देखिए कितने पीले पीले फूल हो रखे हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम अपने फार्म की तरफ। उधर से पानी इसमें चढ़ता है। अच्छा, और ये देखो इस सब इसके अंदर जाके ऐसे आके फिर उधर तक जाके फिर नीचे वाले में आएंगे, ऐसे बढ़िया करते रहते हैं, और फिर ये यहाँ वापस रिसाइकिल होता है। अच्छा, यही से पूरा घूम के ये। तो इसमें क्या है, इसमें पानी चलता रहेगा, और इसके अंदर कोकोपीट है ना, अभी कैसे जाएंगे? कोकोपीट, और ऊपर से बारिश आ गई रही। सच में ये तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ, फिर मुझे पता नहीं था भाई। ये देखो, ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट, ये इसको काट के लेके जाना है। तो कटिंग लग जाएगी क्या इसकी? कटिंग लगेगी? अरे वाह, मेथी भी बहुत अच्छा है, ये आई भी बताओ। वाह, लाई देखो, पालक को लाई देखो, मतलब ये ना फैल जाएगा ऐसे ना, ऐसे तो उगा रहे। अच्छा, अरे वाह, मतलब ये क्या हुआ, हाइड्रोपोनिक सिस्टम ठहरा ये। बताओ, हम कहाँ थे भी रास्ता। ये मुझे यही सुरेंद्र का बहुत अच्छा लगता है, कितना साफ से काम करवाया है मैंने, इतना सीरियस। तो अभी मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, और आज मिल गई है हमें डायरी, तो 2023 की डायरी है, तो इनको लेके जा रही हूँ, एक दो किसी और की भी है वो देनी है। और आज ना पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बारिश तो हुई नहीं, बस थोड़ा बूंदाबांदी हो रही थी लंच टाइम में, लेकिन
फिर उससे बंद हो गई, लेकिन ठंडा बहुत हो गया। और आज हम बहुत टाइम बाद लंच करने के बाद गए थे नीचे अपने फार्म में, जहाँ पर हाइड्रोपोनिक वो सिस्टम दिखाया था ना, तो वो देखने गए थे। पर एक दिन अब अच्छे से उसको मैं एक्सप्लोर करूँगी कि कैसे बना, उसका क्या प्रोसेस था, उसको शेयर करूँगी। तो फिलहाल तो अभी बज रहे हैं 5 और मैं निकल रही हूँ, क्योंकि मेरे को आगे जाके थोड़ा सा काम है। तो निकलते हैं फिर, और ठंड बहुत हो रही है ना, फिर से कवर हो जाऊंगी मैं। तो मिलते हैं आगे आपको। तो मार्केट क्रॉस कर ली है और अभी मार्केट में रश बिल्कुल भी नहीं है, देखो सुनसान हुआ है। और इधर हमने ले लिया है सामान यहाँ से, तो अब चलते हैं इधर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरा हो रहा होगा भाई, शाम हो गई और अभी शाम का मौसम हो रहा है और शाम के बजे हैं 5:30। और देखो हर तरफ कैसा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, पूरे गांव में ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात होने वाली होगी। तो ऐसा कुछ मौसम बना है आज दिन भर। तो मुझे लग रहा है ऐसे जो हिल वाली एरिया है ना, ऊंची जगह, अगर टेम्परेचर डाउन हुआ तो पकाज बर्फ गिरेगी, ऐसा लग रहा है मतलब, क्योंकि पूरा आसमान ना गुमसुम हो गया है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और हाथ भी इतने ठंडे हो गए ग्लव्स पहनने के बाद भी। तो फिर हम आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप कि आज का छोटा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप लाइक करें, चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे दोस्तों आपको जल्द ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और जय देवभूमि उत्तराखंड।